Hi guys, welcome back to my channel. I'm Priya and you're watching Video Tester. Special thanks to Vishwa Electronics जिन्होंने हमें मौका दिया इनके शॉप पे आके इनके प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने का. और आज हम आए हैं एसी के सेक्शन में और आज हम देखेंगे कि आपके घर के लिए जो है वो बजट फ्रेंडली और सबसे सही एसी कौन सा रहेगा. गर्मियों का टाइम आ गया है, इस टाइम जो है एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो जब भी आप शॉप पे एसी लेने के लिए जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपको कौन सा एसी परचेज करना चाहिए और किस तरीके से जो है एसी को सेलेक्ट करना चाहिए. तो सबसे पहले जो है वो आपको अपने कमरे का साइज़ जो है वो ध्यान में रखना चाहिए. जिस भी साइज़ का एसी आपको जिस भी साइज़ का आपका कमरा हो उसी हिसाब से जो है आपको एसी लेना चाहिए. अगर आपके 10x10 का कमरा है तो आपको 1 टन का एसी लेना है. और अगर आपका कमरा 10x12 का है, 10x15 का है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना है. और अगर आपका कमरा 15x20 का है तो आपको 2 टन का एसी लेना है. तो इस तरीके से जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कमरा जितना बड़ा हो आपको उसी हिसाब से जो है एसी को सेलेक्ट करना है. तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी हैं. तो अब जो है वो मैम हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपको एसी को सेलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. आज जो है वो हम इन्वर्टर एसी देखने वाले हैं बिकॉज इन्वर्टर एसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं. अब जो है वो धीरे धीरे सारे एसी जो है वो इन्वर्टर पर जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं. तो मेरे साथ है प्रिया मैम और आज वो हमें हेल्प करेंगे हमारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में और हमें बताएंगे कि एसी के अंदर जो है वो क्या क्या फ़ीचर्स है, कितने साल की वारंटी है और इसका प्राइस कौन सा है, आपके घर के लिए सबसे बजट फ्रेंडली एसी कौन सा रहेगा. तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे सैमसंग ब्रांड में जो है वो बजट फ्रेंडली एसी कौन सा रहेगा और आज हमें हेल्प करेंगी प्रिया मैम. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे बजट फ्रेंडली एसी जो है वो हमें कौन सा पड़ेगा. ये मैम सैमसंग का एसी है, हमारे वहाँ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है, फुल फीचर्स. ये एसी हमारा रहेगा 5-in-1 कन्वर्टेबल. सबसे लेटेस्ट मॉडल अभी सैमसंग में यही आ रहा है कि 5-in-1 कन्वर्टेबल. 5-in-1 कन्वर्टेबल मींस इसमें मैं आपको फीचर्स दिखा देती हूँ लाइक दैट दिस इज़ अ 3-साइकिल फिल्टर. इसमें 3 फिल्टर्स होंगे, एंटी एलर्जी, एंटी बैक्टीरिया एंड एंटी वायरस. सेकेंड थिंग हमारा रहेगा 4-way swing लाइक दैट. सारे एसी में पहले क्या होता था, अप्स एंड डाउन्स ही होते थे. अब क्या है, 4-way swings में अप्स, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. दैन थर्ड पॉइंट इज R32 इको फ्रेंडली ग्रेस रहेगी इसमें. फोर्थ पॉइंट इज वोल्टेज का, जो इसमें पावर कम और ज़्यादा रहता था पहले कि पावर कट का रहता था वो इसमें अंदर ही दिया गया है. अगर जैसे कम वोल्टेज हैं, सपोज दैट जैसे हमको गांव में लगाना है, वैसे गांव में ही प्रॉब्लम आती है वोल्टेज को रिलेटेड, लेकिन अगर हमें सिटी में लगाना है तो वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट फिर भी हमें सैमसंग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. एंड फोर्थ इज इजी फिल्टर में हम इसको यहाँ से टोटली यहाँ से इसको खोलकर इजी फिल्टर कर सकते हैं. देख रहे हैं जैसे कि आप, यहाँ से हम इसको इजी फिल्टर कर सकते हैं. इसमें 2 फिल्टर दिए गए हैं, 1 and 2. स्मार्ट इंस्टॉलेशन, सपोज दैट जैसे हम एसी इंस्टॉल करवाते हैं, ओके, जैसे कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है या वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो इसमें हमें एक पावर इंडिकेट करेगा, लाइट इंडिकेट करेगी लाइक कि आपके इंस्टॉलेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गई है या वायरिंग प्रॉब्लम रह गई है तो वो हमें इंडिकेट करेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ 10 ईयर्स वारंटी द कंप्रेसर. इसकी 10 ईयर्स की कंप्रेशर वारंटी रहेगी. जो आउटडोर होता है उसमें जो कंप्रेशर होता है उसकी 10 ईयर्स की कंप्रेशर वारंटी रहेगी. नाउ मेन थिंग्स मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें जो PCB होती है, इंडोर एंड आउटडोर, इंडोर में भी PCB होती है एंड आउटडोर में भी PCB होती है, उसकी PCB की वारंटी रहेगी 5 ईयर्स टोटली. इंडोर में भी ये PCB की वारंटी दे रहा है एंड आउटडोर में भी सर ये PCB की वारंटी दे रहा है. सारे एसी क्या होते हैं, सारी कंपनी के, और भी हम सारे अगर कंपनी में जाना चाहेंगे तो वो ओनली आउटडोर की PCB की वारंटी देते हैं. तो हमारा सैमसंग क्या है कि इंडोर और आउटडोर बोथ, मतलब PCB की वारंटी दे रहा है. प्लस पॉइंट सर इसमें एक ये भी है कि इसमें गैस लीकेज की वारंटी दे रहा है 5 ईयर्स, जो कोई भी कंपनी अभी हमें रिसेंटली प्रोवाइड नहीं कर रही है. अगर सपोज दैट 5 साल में इसकी गैस लीकेज हो जाती है, हमसे हो जाती है या बाई मिस्टेक सर्विस करते समय हो जाती है, तो ये गैस लीकेज की जो भी वारंटी है वो कंपनी ही हमें दे रहा है. नेक्स्ट हमारा सर रहेगा 100% कॉपर कंडेंशर. इसमें 100% कॉपर कंडेंशन रहेगा. एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारी कंपनी हमें प्रोवाइड इंस्टॉलेशन प्रोवाइड चार्ज क्या करती है, 800 रुपीज़, बस सैमसंग हमें क्या दे रही है, 499 रुपीज़ ओनली इंस्टॉलेशन चार्ज. ओके, ये हमारा रहेगा 3-star AC लाइक दैट. ये सैमसंग के आप जैसे कि चारों AC देख रहे हैं, 1, 2 and 3, 4. इसमें सर जैसे कि आप ये चारों मॉडल सैमसंग के देख रहे हो, 1, 2 and 3, 4, दीज ऑल मॉडल्स आर 4-stars राइट.
एंड इसमें हमें चेंजेस क्या रहेंगे, एक्चुअली ग्राफिक्स और डिज़ाइंस का इसमें चेंजेस रहेगा, जिसमें आप प्राइस वेरिएशन देख सकते हो 37,990 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा, क्योंकि इसमें ये नॉन डिज़ाइन वाला इसका प्राइस रहेगा 36,990 रुपीज़। बट दोनों में सर फंक्शन सेम ही रहेगा, ये 4-star AC रहेगा। स्टार रेटिंग से सर हम जा सकते हैं कि जो पावर कंजप्शन होता है, लाइक बिजली का बिल, जितनी स्टार रेटिंग अच्छी होती है उतना पावर कंजप्शन कम होता है। लाइक हमारा एक साल में कितना होगा, 940 यूनिट्स, जैसे कि आप देख सकते हो। देखिए प्लस ये हमारा सैमसंग का जो एसी रहेगा वो इन्वर्टर के साथ रहेगा, ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, ये जो सैमसंग है ड्यूल इन्वर्टर रहेगा इसमें, पावर इन्वर्टर मींस ड्यूल इन्वर्टर मींस पावर कंजप्शन में इसमें आएगा, इसमें फ़र्क पावर कंजप्शन इसका कम हो जाएगा ड्यूल इन्वर्टर के साथ। और जो नॉइज़ होता है, और मतलब जो नॉइज़ अंदर में हमें पता नहीं चलता है ना एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है लाइक, तो ड्यूल इन्वर्टर क्या करता है कि उसकी नॉइज़ स्लो कर देता है, और जो कूलिंग होती है वो फास्ट कर देता है। ड्यूल इन्वर्टर में बेनिफिट्स हमें ये रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये सैमसंग का एसी है, ये जैसे बाहर जो भी टेम्परेचर होता है हमारा 24 लाइक दैट 26, तो ये उसी टेम्परेचर में अपने पावर को उतने में ही ऑब्जर्व कर लेता है। लाइक 24 अगर डिग्री बाहर है तो ये 24 डिग्री में ही उतना ही पावर कंजप्शन देगा जितना इसमें लिख कर दिया गया है यूनिट के साथ। तो सैमसंग हमें सर 5-in-1 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो मैंने आपको बताई नहीं है, 5-in-1 कन्वर्टेबल है। 5-in-1 कन्वर्टेबल से हमारा मतलब रहेगा, जैसे हमारे घर में 2 मेम्बर्स हैं तो हम इसको आधा टन में भी चला सकते हैं, 4 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं तो हम इसको 1 टन में भी चला सकते हैं। लाइक दैट अगर हमारे घर में पार्टी मोड है तो हम इसको 1.5 टन का तो हमारा ऑलरेडी एसी रहता ही है, 1.8 टन में भी सर हम इसको चला सकते हैं इजीली, क्योंकि ये 2 टन का भी वर्क करेगा, 1.8 टन का तो ईजिली करेगा और 2 टन का भी करेगा। जैसे पार्टी मोड है घर में, 15-20 लोग हैं हमारे घर में, तो हम इसको 1.8 टन में ईजिली प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये फीचर सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सेकंड थिंग बेनिफिट इसका ये भी रहेगा कि गैस लीकेज की जो मोस्ट वारंटी होती है, अगर हम गैस डलवाने जाते हैं सपोज़ दैट, तो 3 से 3.5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, और इसमें हमें कंपनी 5 ईयर्स की गैस लीकेज की वारंटी दे रही है। और सैमसंग में सर ऑन डिमांड 3 सर्विस रहेंगी एक साल में, वो भी ऑन डिमांड रहेंगी अगर आप फ़ोन, और इसकी जो सर्विस है वो ईज़िली अवेलेबल होती है, 24 या 48 आवर्स में आपको ईज़िली प्रोवाइड की जाती है। तो दैट्स बेटर, मैं यही बोलूँगी, अभी इस समय सर गर्मियों का सीज़न है तो सैमसंग एसी में अगर आप प्राइस भी देखने जाओगे, बेनिफिट्स भी देखने जाओगे, तो ये हमें सैमसंग एसी 37,990 रुपीज़ में ऑलरेडी दे रहा है। ये हमारा सैमसंग का MRP प्राइस रहेगा 53,900 रुपीज़, जिसमें हमारा ये हमारा MRP प्राइस रहेगा, और डीलर प्राइस सर विश्वा स्टोर प्राइस वो हमारा 29% ऑफ करके हमको दे रहे हैं 37,990 रुपीज़। ओके, फिर भी अगर आप एक बार विश्वा स्टोर पर विज़िट करते हैं तो जो यहाँ के ओनर हैं वो हमें ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी डिस्काउंट सर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार विज़िट करते हैं, देखने आते हैं, तो वो और प्लस करके जितना भी हो सकता है उतना डिस्काउंट करके वो हमें देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका MRP जो है वो 35,900 है, और इसका VEP प्राइस जो है, जो इस शॉप का प्राइस है वो 37,990 है। बट अगर आप शॉप पर आके विज़िट करते हो तो आपको और जितना भी हो सकता है उतना डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप अगर परचेज़ करना चाहते हो AC तो आप एक बार शॉप पर विज़िट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इससे भी कम प्राइस जो है वो आपको क्या लगा सकते हैं वो लोग। और आप ये देख सकते हो इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा जो है वो ग्राफिक्स का डिज़ाइन है, और ये वाले जो मॉडल्स हैं वो सब प्लेन है, तो इसके प्राइस में जो है ना वो 1,000 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक के वजह से जो है इसका प्राइस 1,000 रुपीज़ बढ़ गया है, बाकी तीनों का प्राइस जो है वो 36 ही है, और सबसे नीचे वाला जो है वो 35 का है। तो आप इस तरीके से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, इसका सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के वजह से प्राइस बढ़ा है, बाकी के सारे फीचर्स जो है इसके सेम ही है। तो अगर आप ग्राफिक्स वाला लेना चाहते हो तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हो, और अगर आप प्लेन के साथ भी कंफर्टेबल हो तो आपको प्लेन 1,000 रुपीज़ और डिस्काउंट पे जो है वो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का प्रोडक्ट रिव्यू आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से वीडियो टेस्टर फैमिली के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।